सबसे कम गुनाहगार, जिसे सबसे कम अजाब दिया जाएगा, कभी उसके बारे में मालूम किया? कभी किसी से सुना है? सुनो, ऐसे गुनाहगार को जहन्नम की आग की जूतियां पहनाई जाएंगे। कभी पांव के नीचे सिगरेट आई है जलती हुई है? कभी तपी हुई रेत पर रंगे पांव खड़े रहे? सख्त धूप के अंदर कभी मार्बल के फर्श पर पांव रखते हैं ना, चीख निकल जाती है, भागते फिरते पांव जल गए, हमारे हम इतने कमजोर हैं, कांटा छूट जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। अगर घर का ही चूल्हा जलाते हुए माचिस जलाए ना, तो डर लगता है कि कहीं चिंगारी आंख में ना चली जाए। गरम पानी की पतीली उठाते तो डर लगता है, नहाने का पानी गरम आ जाए सख्त तो बदन पर गिरे तो चीख निकल जाती है। सख्त गरम चाय की चुस्की अगर जबान पर लग जाए तो जबान पर छाला पड़ जाता है हमारी। इतने कमजोर हैं हम, इतने कमजोर हैं। ए मेरे कमजोर इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, अल्लाह नाराज हुआ, उसके हबीब रूठ गए, और अगर हमें जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी गई, अल्लाह की कसम, ये रिश्वतों का कारोबार करने वाला, रिश्वत लेने वाला, कुदारा बात जाओ। माह रमजान पाकर भी अगर अपनी मगफरत ना करवा सके, जहन्नम की आग से आजादी का परवाना ना पा सके, कितनी बड़ी महरूमी होगी। सच्ची तौबा बहुत जरूरी है, सच्ची तौबा बहुत जरूरी है। वो सच्ची तौबा ये है कि बंदा आइंदा गुनाह ना करने का पक्का अज़्म कर ले, मौला।